चैनल गाइस, घर पे पहुंच गए थे नंदुरबार में। अभी शाम के बज रहे हैं 8:30। फ्रेश हो गया था, थोड़ा हेयर कट वगैरह कराने गया था, दाढ़ी वगैरह करवा लिया। अभी जो हमने सर्विस किया था नासिक में, उसका बिल मैंने आपको बताया नहीं था, उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ था या फिर मैंने क्या क्या चेंजेस कराए थे, वो डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। सर्विस बहुत अच्छा था, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कोई गलती नहीं हुई उनसे। जो जो मैंने काम बताया उन्होंने उससे ज़्यादा ही किया, लेकिन कम नहीं किया कुछ। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं पहला बिल। तो ये उनका बिल है, वसन एंड सन्स, महाराष्ट्र स्टेट कोड वगैरह, मुंबई नाके पे है ये। यहाँ पे बाइक नंबर दिया है हमारा, किलोमीटर रीडिंग था 9163। इसके अंदर जो जो स्पेयर पार्ट लगे हैं उसके डिटेल्स है, तो पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं। ऑयल फिल्टर है जिसका अमाउंट है आपका 76 रुपीज़। दूसरा है ये वेल नट फॉर मास्क जो है, ये आगे का जो विंडशील्ड होता है गाड़ी का, विंडशील्ड के जो 4 नट होते हैं रबर के, वो मेरे ख़राब हो गए थे, नंबर प्लेट वाले ने ख़राब कर दिए थे, तो मैंने वो बदल लिए, नए डाल दिए, तो वो ज़्यादा महंगे नहीं थे, तो उनका कॉस्ट पड़ा है मुझे 39.22, ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का है। एलिमेंट फिल्टर, ये इसका एयर फिल्टर है, ये एयर फिल्टर का कॉस्ट गया मुझे 261 रुपीज़। ये एक्चुअली महंगा है बट ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा था। मेरा जो वाला था वो अच्छे खासा ब्लैक हो गया था, तो मैंने उसको बदल दिया, मतलब नहीं चाहिए बदल दो करके। ये जो गैस्केट मफलर है, ये जो मेरा साइलेंसर वाला जो इशू था उसके लिए मैंने चेंज करवा लिया है, उसका 91 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा है मुझे, हाँ वारंटी में नहीं आता है। उसके बाद है इनलाइन फ्यूल फिल्टर, जो कि गाड़ी का फ्यूल फिल्टर होता है, वो भी 15,000 रुपये चेंज करते, बट मैंने अभी चेंज करवा लिया, उसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 105 रुपीज़ का आया है। और लेबर फॉर रिप्लेस पार्ट्स एंड रिप्लेस्ड, एक्चुअली ये सर्विस है, ये सर्विस की वजह से यहाँ पे 0.02 रुपीज़ का चार्ज लगा है खाली। तो टोटल इनवॉइस टैक्सेस था मेरा 574 रुपीज़ का, जो स्पेयर पार्ट है मेरे, जितने स्पेयर पार्ट लगे थे वो 574 रुपीज़ के थे। और दूसरा जो है टैक्स इनवॉइस, जिसके अंदर मैंने ऑयल चेंज करवाया था गाड़ी का, इंजन ऑयल डाला है 10W50 वाला, ये मैंने मोटिल का डाला है एक्चुअली। अभी बजाज का जो ऑयल आता है वो लोग वो ज़्यादा करके प्रोवाइड करते नहीं है, अभी वो लोग खुद ही होके मोटिल का डाल देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बजाज के ऑयल से मोटिल की कैपेसिटी अच्छी है और लॉन्ग लाइफ है, और उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जब से उन्होंने मोटिल यूज़ करना शुरू किया, मतलब ऐसा मुझे उनके मैनेजर ने ही बताया था सर, इसलिए हम लोग मोटिल यूज़ करें। और डेफिनेटली मुझे भी वही चाहिए था, मोटिल ही डालना था, बट लकीली वहाँ पर मिल गया, तो चलो मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से। तो ये जो है इंजन ऑयल का मुझे कॉस्ट पड़ा है 1217 रुपये, और टैक्स अमाउंट टैक्स है 1440 रुपये, आप मान के चलिए इसको रमसम। चेन मैंने ओवरऑल किया था, उसका 178 रुपीज़ पड़े थे, उसके जो लेबर थे एक्चुअली उसका क्लीनिंग और ल्यूब भी किया था, तो टोटल कॉस्ट गया था उसका मुझे टोटल लेबर का, क्योंकि इसके अंदर में जो मैंने ये काम कराया है गैस्केट का, इसका लेबर चार्ज लगता है क्योंकि वो फ्री इसमें नहीं आता है, तो उसकी वजह से उसका 528 रुपीज़ का मुझे टोटल लेबर कॉस्ट पड़ा है। ऐसा टोटल अमाउंट था 1966 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 1966 प्लस 574, मतलब लगभग 2,500 तक मुझे ये टोटल सर्विस पड़ा था इनका। अच्छा सर्विस था, सर्विस के मामले में कोई इशू नहीं था उनका। तो ये था ओवरऑल चार्जेस, और जो कॉस्टिंग आया है, मतलब अगर मैं पकड़ के चलूँ कि मैं अगर 2,500 रुपये अगर मैं 400 cc के बाइक के लिए खर्चा कर रहा हूँ, तो एक्चुअली बहुत कम है। मतलब जैसे अगर देखा, अगर बाकी बाइक से कंपेयर करते हो, जैसे कि रॉयल एनफील्ड से ले लो, उसका नॉर्मल सर्विस भी 2,500 से 3,000 में जाता है, लेकिन मेरा जो सर्विस था ये एक्चुअल में ये 2,000 के ऊपर जाता नहीं, 2,000 के अंदर ही रहता, बट मैंने एक्स्ट्रा काम करा लिया जिसके अंदर मैंने फ्यूल फिल्टर भी डाल दिया, प्लस जो
आगे के वॉशर थे, क्या बोल जो उसको व्हील नट्स रहते जो फ्रंट फेंडर के आते, मैंने उनको भी बदलवा दिया। और दूसरी चीज़ थी जो मेरा साइलेंसर का गैस्केट था वो भी मुझे बदलना था। एक्चुअली वो था उसके अंदर बट हल्का सा कट गया था तो मुझे उसको डैमेज नहीं करना था तो मैंने उसको बदलवा दिया, वो एक अच्छी चीज़ हो गई। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। अगर आपको इस रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो भी है, मतलब सर्विस में और क्या क्या करना चाहिए या फिर कौन से पॉइंट्स देखने चाहिए कि सर्विस वाला करता है कि नहीं करता है, जो मेन पॉइंट्स है उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके हर कमेंट का देखता हूँ तो डोंट वरी, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप भी डोमिनर ओनर हो, अगर आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं बाइक के अंदर तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और ये राइड तो अभी चल रही है, ऑन राइड है, हम अभी तो घर पे हैं। राइड कब ख़त्म होगी पता नहीं, एक 4-5 दिन का तो था प्लान। जो भी अभी आते जाएंगे वीडियोस एंजॉय करिए। व्लॉग अपलोडिंग में लगा दिया है, रखा हुआ है, कल वाला जो ब्लॉग है आज अपलोड हो जाएगा, शायद से थोड़ा लेट हो जाएगा बट ठीक है अभी चलता है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, मतलब ये वाले ब्लॉग में नहीं नहीं कल वाले ब्लॉग में ही मिलते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो आप जितना सब्सक्राइब करोगे, लोगों को शेयर करोगे, उतने हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा करें। अभी कल के वीडियो में थोड़ा मैंने सिनेमेटिक करने की कोशिश की थी, थोड़ा आपको बोर ना हो इसलिए मैंने थोड़ा इसको सिनेमेटिक बनाने की कोशिश की। अगर आपको ये ऐसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, सिनेमेटिक ब्लॉग अच्छे लगते तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं और ऐसे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। जिससे मैं सीख रहा हूँ अभी तो नया हूँ फील्ड में बट सीख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ और बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच, अगर और कुछ रहेगा तो डेफिनेटली बताइएगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।